भारत की सातवीं वंदे भारत ट्रेन साल के अंत में लॉन्च की जा चुकी है और इस वंदे भारत ट्रेन को भारत के पूर्वी राज्य को सौंपी गई है, जिसे बंगाल की सबसे व्यस्त मार्ग हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया जा रहा है। ये पूर्वी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन है। पर दोस्तों, सातवीं वंदे भारत के लॉन्च होने के महज 2 दिन बाद क्या हुआ, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आए दिन हो रहे वंदे भारत पर पथराव करने वालों के लिए क्या कानून बनाए गए हैं और इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा, और बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस को क्यों स्कैम कहा गया, इसके पीछे क्या वजह है और ये किसने कहा। ये सब जानकारी के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को 30 दिसंबर को लॉन्च कर दिया गया, जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी, जो कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देगा, जो कि पूर्व उत्तर का एक एंट्री पॉइंट है। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सुपरफास्ट ट्रेन को दोनों दिशाओं में चलने में लगभग 7.5 से 8 घंटे लगने वाले हैं। ये तो सब अच्छे से हो गया, लेकिन दोस्तों, इस वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च होते ही 2 दिन के बाद इस पर पथराव कर दिया गया और ऐसी ही एक घटना को दार्जिलिंग में अंजाम दिया गया, जिस कारण से वंदे भारत के 2 से 3 कांच टूट गए। रेलवे ने 2 अलग अलग घटनाओं में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे के मुताबिक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे के वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस हफ्ते में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं और अब रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है, जहाँ अब रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे पुलिस के साथ मिलकर इनकी पहचान के बाद छापेमारी का काम शुरू कर दिया। दोनों ही मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत आरपीएफ चौकी और एनजेपी में एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको और राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान हो और साथ ही यात्रा कर रहे अपने भाई बंधुओं का कोई नुकसान हो। इसी बीच वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के एक मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने निकल के आया, जहां उनके द्वारा वंदे भारत ट्रेन की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल के विकास मंत्री उदयन गोहा जी ने आरोप लगाया कि अगर यह हाई स्पीड ट्रेन है तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने में 8 घंटे क्यों लग रहे हैं, बस एक समान ट्रेन को पेंट कर दिया गया और वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन नाम दे दिया गया। और ये मंत्री तो यहाँ नहीं रुके और आगे कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का किराया सामान से अधिक है, जबकि उनकी गति नॉर्मल ही है और हाई स्पीड ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। लेकिन सभी दावों को खारिज करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये घटनाएं बिहार में हुई हैं, न कि पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।